क्या कहे थे कि मुझे मधमहेश्वर दर्शन करना है, तो मधमहेश्वर दर्शन करने के लिए हमारा जो दिमाग में जो चढ़ा हुआ है वो मधमहेश्वर। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। जय भोले। जय भोले। केदारनाथ करके आया था, मैं बैग लेके गया था केदारनाथ में, उसके खाना था, सब कुछ था, सब कुछ था, फिर भी जो यहाँ भी डिफिकल्ट आया मैंने आगे बैग सब उतार दिए, और अभी भी चल रहा हूँ फिर भी डिफिकल्ट आया, इतना डिफिकल्ट है बताइए। ये रहे हमारे अंकल जी, इनकी एज है 65 और ये मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले बाबा? मैं बिहार से हूँ, वो बंगाल से हैं। अच्छा बंगाल। मैं बिहार से हूँ। अच्छा दोनों का मिलन कहाँ हुआ? अभी काफी देर चलने के बाद ऊपर से, काफ़ी ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैक कर रहे हैं, एंड अंकल जी बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब हैट्स ऑफ टू दिस यंग मैन, आई हैव टू से हैट्स ऑफ टू दिस यंग। पूरे 6 महीने के लिए समझ लो, हम पूरे 12 महीने के लिए भगवान जी की सेवा में। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू ब्रिंग नोमैडिक, और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। बेसिकली अभी मैं हूँ कुंड में, कुंड रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैं दिल्ली से यहाँ तक आया हूँ, लेकिन सिचुएशन या फिर आप ये कह लीजिए कि हालात कुछ ऐसे बने, मुझे वक्त ही नहीं मिला कैमरा निकालने का। मैं दिल्ली से गाड़ी पकड़ता हूँ कश्मीरी गेट से, मैं कश्मीरी गेट से आखिरी मेट्रो लेके, मतलब मैं मिलेनियम सिटी सेंटर से आखिरी मीटर मेट्रो लेके पहुँचता हूँ मैं यहाँ पे कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट पहुँचने के बाद मैं वहाँ से जहाँ से पहुँचता हूँ वहाँ पे कश्मीरी गेट पे, तो 11:55 की जो लास्ट बस थी वो निकलने वाली थी, मैं वो बस लेता हूँ और पहुँचता हूँ वहाँ से हरिद्वार। हरिद्वार में जैसे उतरता हूँ सुबह के 4:20 पे, वहाँ पे दूसरी बस लगी हुई थी सामने, एंड वहाँ से मुझे बस लेके आना था मुझे रुद्रप्रयाग, और वो रुद्रप्रयाग कर रहे थे। फिलहाल मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के कुंड में हूँ, अभी मैं फिलहाल रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के कुंड में हूँ, तो मैं यहाँ पे आता हूँ सिर्फ, एंड इसके बाद फिर यहाँ पे जैसे मैं पहुँचता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि बहुत सारे ट्रक हैं, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग चीज़ें गाइड कर रहे हैं। पहले मैं सोच क्या था कि पहले करेंगे अपन, पहले मैं करूँगा रुद्रनाथ, उसके बाद मैं कुछ कोई और ट्रैक करूँगा, क्योंकि रुद्रनाथ के बारे में बहुत ज़्यादा फैंटेसी है, मतलब बहुत अच्छा लगता है रुद्रनाथ के बारे में सुन के इनफैक्ट। लेकिन अभी यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा है कि रुद्रनाथ करना बहुत टफ है सबसे पहले, तो जो लोग प्रॉपर वे है बेसिकली उसी वे को फॉलो करते हैं, एंड पहले मैं यहाँ से जा रहा हूँ मधमहेश्वर। मधमहेश्वर के लिए यहाँ से मैं गाड़ी का वेट कर रहा हूँ कि रांसी विलेज के लिए गाड़ी जाएगी यहाँ से, क्योंकि जो मधमहेश्वर का ट्रैक शुरू होता है वो रांसी से होता है, तो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से मैं निकलूँगा अभी रांसी के लिए। हालांकि चोपता के लिए गाड़ी लगी हुई है, सामने जो आपको गाड़ी दिख रही है ये सामने चोपता जा रही है गाड़ी, बट मुझे जाना है मधमहेश्वर पहले, तो मैं मधमहेश्वर के लिए निकलता हूँ यहाँ से पहले रांसी के लिए। ट्रैक कोशिश कर रहा हूँ आज ही स्टार्ट कर दूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ और चीज़ें बहुत अच्छी वे में जा रही है, और जो भी रहेगा मैं आपको दिखाता रहूंगा, और इंजॉय करने की पूरी पूरी कोशिश है। तो फाइनली रांसी के लिए गाड़ी मिल गई मुझे यहाँ से, एंड यहाँ पे मैं अभी उखी मठ बाजार में, मुझे नहीं पता कितना फेयर लगने वाला है, मैं आपको जाके बता पाऊँगा, एंड चलते हैं फिलहाल रांसी, और वहाँ से हमारी ट्रक स्टार्ट होगी मधमहेश्वर की। कुछ सामान लेना था यहाँ से मैंने ले लिया है, एंड ठीक है, धूप थोड़ी ज़्यादा हो रखी है और वेदर थोड़ा सा वार्म है, ठीक है चलते हैं एंट्री गेट पे जहाँ से चेक स्टार्ट होगी, वहाँ पे जाके आपसे मिलते हैं। तो मैं निकल चुका हूँ मधमहेश्वर, और पीछे आप देख सकते हैं एंट्री गेट, वहीं पे उतरा हुआ था एक्चुअली। ऊखी मठ बाज़ार जो था, ऊखी मठ बाज़ार से मुझे यहाँ पे आने का लगा 120 रुपीज़, और जहाँ पे मैं रुका हुआ था कुंड में, कुंड से ऊखी मठ बाज़ार का लगा 50 रुपये। अभी जा रहा हूँ मधमहेश्वर की तरफ, मैं सोच रहा हूँ मैं ट्रैक आज ही कम्प्लीट कर लूँ, अभी टाइम हो रहा है 1:44, शायद देख पा रहे होंगे, तो 1:44 अभी टाइम हो रहा है। कोशिश कर रहा हूँ आज ही ट्रैक कंप्लीट कर लूँ, अगर हो जाएगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए, क्योंकि 5 केदार करना है मेरे पास, 6 से 7 दिन का टाइम है, पूरी कोशिश रहेगी कंप्लीट करने की, मज़ा आ जाएगा अगर हो गया ऐसा तो, एंड हो ही जाएगा, मैं कर लूँगा मुझे पता है। ये 16 किलोमीटर की, 16 से 18 किलोमीटर की ट्रैक रहेगी, और मेरे पास है 2 बज चुका है लगभग, और 5 घंटे मैक्सिमम वॉक कर सकता हूँ मैक्सिमम आज, तो चलते हैं आगे की तरफ, मिलते हैं, एंड कुछ खूबसूरत नज़ारे रास्ते में। अभी तो खैर ये शुरुआत हुई है, अभी ऊपर पहुँचते हैं, ऊपर पहुँच के आपको नीचे का नज़ारा दिखाएंगे। ये रहा वाटर सोर्स, और ये रहा वाटर पार्क। अभी शुरू ही किया बस चलना, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मौसम काफ़ी बढ़िया है, वेदर काफ़ी बढ़िया, एक्चुअली सबसे अच्छी बात यह है कि वेदर काफ़ी बढ़िया है। मेरे पास छाता नहीं है बट मेरे पास पोंचो है, तो एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस ट्रैक पे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है, उसको बोलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको बार बार बोलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो मैं भूल गया था, वो है
हर हर महादेव, हर हर। तो चलते हैं हर हर महादेव करते हुए, पहुंच के आगे मिलते हैं आपसे। अभी थोड़ा सा ही चला होऊंगा, बहुत कम, 1 किलोमीटर भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा शायद, और बारिश शुरू हो गई है। एंड ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि ट्रैक डाउनवर्ड क्यों जा रहा है, और जब ऊपर चढ़ने को होगा ना तो फट जाएगी हमारी, मुझे भी पता है बहुत अच्छे से। अभी तो खैर नीचे से जाना पड़ रहा है, ऊपर चढ़ना पड़ेगा तो हालत ख़राब होगी फिर, और बारिश अब तेज़ होने लगी धीरे धीरे। मैं करता हूँ कैमरा बंद, खुद को करता हूँ सेफ पहले, मिलते हैं जनाब से। हर हर महादेव। ये देखिए नीचे का नज़ारा, ये हमें नीचे की तरफ डाउनवर्ड ट्रैक की तरफ पड़ रहा है। तो गाइस हमें रास्ते में चलते हुए एक भैया मिले हैं, ये ऊपर ही रहते हैं। मैं आपका नाम क्या हुआ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें? नरेंद्र सिंह है। नरेंद्र सिंह, और ये भैया ऊपर ही रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं भैया? ऊपर गोंडार से ऊपर 5 किलोमीटर नानू में रहता हूँ। ठीक है, और आपने मुझे बोला है कि मधुमहेश्वर में बूढ़ा मधुमहेश्वर घूम एक बार जाने के लिए सुबह? जी जी, वहाँ पे सबसे बढ़िया है कि वहाँ पे चौखंबा दिखता है वहाँ से, और बूढ़ा मधुमहेश्वर में देखने लायक बहुत चीज़ें। एक छोटा सा मंदिर मिलेगा आपको वहाँ पे, 6-7 छोटे तालाब मिलेंगे, उसका जो चौखंबा का रिफ्लेक्शन आता है उसमें तालाब में, तो बहुत अच्छा दिखता है। तो मतलब चारों जो पहाड़ है हिमालय वाला, उसका रिफ्लेक्शन आता है उस तालाब में? हाँ, उस तालाब में उसका रिफ्लेक्शन आता है। तो चौखंबा एक बार, ये बूढ़ा मधुमहेश्वर एक बार जरूर जाना आप, पक्का। एंड जितने भी केदार मैंने अभी तक किए, मतलब तुंगनाथ और केदारनाथ में किया है मैंने, भीड़ तो खैर रहती ही है, उसके अलावा जो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। मतलब अलग ही शांत एनवायरनमेंट है, सिवाय नेचर के साउंड का और कोई साउंड है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे जो नॉइज़ कर रहे हैं वो हम ही लोग बोल रहे हैं, उसी का आवाज़ है, और कोई आवाज़ है ही नहीं यहाँ पे, इतना बढ़िया है। तो काफ़ी शांत सा माहौल है। अच्छा भैया एक बात बताइए, आप लोग जैसे कि बोल रहे हैं कि शीतकाल में आप लोग नीचे आ जाते हैं, तो शीतकाल में तो ठीक है, बाकी अदर टाइम में जब तक आप लोग वहाँ पर रहते हैं, जब तक मतलब मधुमहेश्वर मतलब कपाट खुला हुआ होता है, तब तक आप लोगों की लाइफस्टाइल कैसे रहती है? मतलब हमारे जैसे जो जिनके होटल चल रहे हैं वो उसके होटल चल रहे हैं, कोई होटल के साथ है, कोई गाइड के गाइडिंग का काम करता है, एडवेंचरिंग का काम करता है। बाकी जो 2-4 फैमिली ऐसी है जो अपने गाय भैंस जो मवेशी हैं अपने वो लेके वहाँ चले जाते हैं। ठीक है, बाकी जो मधुमेश्वर में वहाँ पे जो भोग का भोग भगवान जी का भोग लगता है, पूजा का काम हमारे गांव वाले ही करते हैं गोंडार से। ठीक है, पूरे 6 महीने के लिए समझ लो हम पूरे 12 महीने के लिए भगवान जी की सेवा में हैं। जब तक हमने भगवान जी को नीचे ओंकारेश्वर में छोड़ा तब तक हम भगवान जी की सेवा में हैं। वहाँ पे उखी बट में 5 में से 4 केदार चले जाते हैं ना? हाँ हाँ, रुद्रनाथ भी जाते हैं, रुद्रनाथ जाते हैं, और केदारनाथ भी, मधुमहेश्वर भी, कल्पेश्वर, कल्पेश्वर सिर्फ नहीं जाते हैं, कल्पेश्वर और रुद्रनाथ थोड़ा दूर हो गया वहाँ से। अच्छा, वो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब जो यहाँ पे अपने रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में जो पढ़ते हैं, रुद्रप्रयाग में पढ़ते हैं, केदारनाथ पढ़ते हैं, और मधुमहेश्वर भी पढ़ते हैं, और तुंगनाथ भी। तो ये तीनों मतलब चले जाते हैं वहाँ पे ओंकारेश्वर में। ठीक है, और ओंकारेश्वर में एक और चीज़ है कि वहाँ पे अगर आप दर्शन करने जाते हैं, और जो लोग 5ों केदार को ऐसे पैदल नहीं जा सकते, तो ओंकारेश्वर में वो भी बना हुआ है, वहाँ पे शिवलिंग बने हुए हैं, 5ों केदार के दर्शन वहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बढ़िया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आप नहीं कर पाएंगे अब, बट आपकी श्रद्धा है अगर, तो आप ओंकारेश्वर मंदिर में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको 5ों केदार के दर्शन हो जाएंगे। बाकी चलिए बातों का सिलसिला चलता रहेगा, हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा जल्दी चलना पड़ेगा, एंड मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। बाकी यहाँ का वेदर देख लीजिए, शांत मतलब शांत माहौल, वातावरण जो है देख लीजिए, आगे पीछे कोई नहीं देखेगा आपको, सिर्फ हम ही हैं, 2 ही लोग हैं जो चल रहे हैं, आसपास कोई दिख भी नहीं रहा, बाय देयर चांस से कहीं से कोई दिख जाते आते हुए। ये देखिए आप वाटरफॉल, भाई साहब क्या अमेजिंग वाटरफॉल है ये, ओ भाई अमेजिंग है यार, अमेजिंग।
चढ़ते चढ़ते जगह कहीं पर आया हूँ, सामने माता का मंदिर है। मत फैलाओ प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण। बिल्कुल प्रदूषण नहीं फैलाना होता है। काफ़ी खूबसूरत सा, और पीछे अंकल जी हैं, ये मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है जो डिस्टेंस और हमें कवर करना है, गोंडार जो है वह 750 मीटर यहाँ से, वनतोली है 2.4 किलोमीटर, नानू है 5.7 किलोमीटर, मध महेश्वर है 11.5 किलोमीटर। तो ये मतलब हमें लंबा कवर करना है। अंकल जी हमें पुश कर रहे हैं कि जहाँ पर रुको, जहाँ पर थको वहाँ पर मुझे बता देना, मैं वहाँ पर संभाल लूँगा करके। मज़ा आ रहा है, बाकी भैया थकान तो हो रही है थोड़ी सी। फिर भी चढ़े जा रहे हैं भैया, चल रहे हैं सब बढ़िया। हाँ छोड़, कभी कभी वीडियो बना लेता हूँ। बीइंग नोमैडिक। ठीक है। और आप देख सकते हैं सामने जो रास्ता है वो कितना खूबसूरत है यार, नीचे से बहती हुई नदी। ये कौन सी नदी है भैया? ये मधुगंगा। ये मधुगंगा नदी और ऊपर से रास्ता, बहुत ही प्यारा रास्ता है, बहुत ही प्यारा। अभी काफ़ी देर चलने के बाद ऊपर से, काफ़ी ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैक कर रहे हैं। एंड अंकल जी बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब हैट्स ऑफ टू दिस यंग मैन। आई हैव टू से हैट्स ऑफ टू दिस यंग मैन। मतलब मैं थक जा रहा हूँ बार बार, ये नहीं थक रहे हैं। एंड अभी हमें थोड़ा सा और नीचे डाउनवर्ड ट्रैक करना है, आप देख सकते हैं। कौन सा हो रहा था अंकल जी? दो नदी, हाँ एक तो एक मधुगंगा है और ये पता नहीं। तो दो नदियों का संगम है बेसिकली, एक मधुगंगा है। कोशिश कर रहे हैं मैं और अंकल जी दोनों ही कि मतलब आज ही ट्रैक कंप्लीट कर लें, बाकी देखते हैं जो अपडेट रहेगा आपको बताएंगे। गो अहेड भाई, बहुत टफ है यार ट्रैक, बहुत टफ है। मतलब ये डाउनवर्ड जब ट्रैक करना पड़ रहा है ना तो और ज़्यादा टफ है। ये ब्रिज पूरा हैंग कर रहा है यार, मस्त लग रहा है। ओ भाई साहब, एक लकड़ी का बना हुआ हैंगिंग ब्रिज है और वो रहा हमारा इंटरव्यू। चलिए आपसे मिलते हैं आगे थोड़ा और ऊपर पहुंचने के बाद। ये देखिए एक बार, ये बुड्ढा यहाँ पर बैठा है, कहाँ के रहने वाले बाबा? मैं बिहार से हूँ, वो बंगाल से हैं। अच्छा बंगाल। मैं बिहार से हूँ। अच्छा दोनों कहाँ मिलन, कहाँ हुआ? यही आते हुए ट्रैक पे। जी धन्यवाद बोले बाबा। आप कहाँ से? अरे बाबा मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, ये है मोरखंडा नदी का संगम। ये मोरखंडा और ये वाले है मधुगंगा का संगम, यहाँ पे है बंतोली संगम। तो आपको मिल गया इन्फॉर्मेशन जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन था, जो हमें पता नहीं था, तो यही है। ये यहाँ से जो है चढ़ाई शुरू है भोलेनाथ की, और 10 किलोमीटर चढ़ाई का मामला है, और आते जाते रहना। भोले बाबा सब दया धर्म करे और जय केदार मंदिर भगवान की जय जयकार। चाय पानी पियेंगे थोड़ा बहुत? अभी तो नहीं, अभी ऊपर जाने के बाद ही कुछ। बाप रे बाप यार बूढ़ा, तुम चाय तो पी लो, मेरे यहाँ पर दूध की चाय है, पाउडर की नहीं है। ऊपर जाने के बाद अभी 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 रुकने का मन नहीं कर रहा, अभी ऊपर जाने के जाके रुकूंगा। अगर रुका रुक गया तो थक जाऊंगा फिर। अभी तो कहाँ तक जाएंगे आप लोग? कोशिश कर रहे हैं पहुँच ही जाए आज रात तक। बिल्कुल बिल्कुल अंकल जी, कहाँ पर जरा आओ, यहाँ आओ आओ आओ। कोई नहीं, हम दो ही लोग हैं। और तो कोई कुछ नहीं आ रहा बाबा जी।
मैं पार देखो ऊपर ये चोटी दिखाई दे ना लास्ट वो पेड़ नहीं है वहाँ 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 जाना है। अरे एक बंतोली से उसको मैं खटारा खाल से 2 किलोमीटर नानू चट्टी है वहाँ से, तो नानू चट्टी से 1.5 किलोमीटर महकमा चट्टी से 1.5 किलोमीटर कून चट्टी, वहाँ से 3 किलोमीटर कुछ नहीं है तब सीधा मंदिर पर है। और बाकी ये जगह में रहने का व्यवस्था है जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं? ठीक चलते हैं। हाँ 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 बिल्कुल बाबा, मौसम तो अच्छा है। अरे बाबा मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं है, क्यों सब जगह पर मौसम खराब रहता तो कोई चिंता था। हाँ मौसम आजकल तो ठीक ठाक भी है ना। बस आप नीचे क्यों जा रहे हैं? मैं ऐसे जा रहा था कि वहाँ पुल लग रहा ना, उस पुल के लिए निरीक्षण करना है ये मेरे क्या, वहाँ मेरी भी ड्यूटी है क्या। हाँ यही तो बात है, याद तो देखा नहीं आज मैं। हाँ तीन रोज हाँ पहले भी आए थे तुम लोग क्या? नहीं मैं पहली बार आ रहा हूँ इधर। पहले बार आ रहे हैं तुम? हाँ। अब तो क्या करना, ना तो चाय पी रहे हैं ना पानी पी रहे हैं, क्या करना तुम्हारा, अब क्या कर हैं? अभी रुकने का मन नहीं कर रहा अंकल जी। कोई बात नहीं कोई बात, मैं मजा कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। सो हाय, बड़ा वाला बैग मैंने पीछे किसी गांव में रख दिया है, मेरे पास रहा छोटा बैग, मैं और करीब हम लोग 7 किलोमीटर पीछे हैं अभी मधुमेश्वर से। पीछे मेरे अंकल जी बोल रहे भाई बुरा हाल हुआ पड़ा है, कसम से कह रहा हूँ। एक्चुअली इतना बुरा हाल है यहाँ का इसलिए क्योंकि इसकी जो ट्रैक स्टार्ट होती है ना पहले डाउनवर्ड जाती है, फिर आपको ले आएगी रिवर के लेवल पे, उस वक्त फिर अपवर्ड शुरू होती है। मतलब यार क्या ही है ये, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अभी चढ़ने में। नीचे अभी कुछ लड़के थे वो पूछ रहे थे अंकल जी से, अंकल जी आपकी एज क्या है, तो मैंने कहा 65। उसके बाद जो वो लोग शॉक हुए हैं लिटरली कि मतलब ये रहे हमारे अंकल जी, इनकी एज है 65 और ये मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि भाई चलो चलो अभी चलो। अमेजिंग यार। सेल्फी है ना? हाँ ये देख रहा है ना, जो इसमें देख रहा है ना पूरा सामने इसमें। अच्छा, अच्छा। पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए अभी मैं देखिए देखिए अभी मैं देख रहा हूँ अभी आपको पीछे से। तो वैसे जब ऐसे करते तो हम दोनों रिकॉर्ड होते हैं। अभी जो हम बात करें सब एडिट हो जाएगा। और यहाँ का ये ग्रीनरी देख लीजिए आप, मतलब क्या ही खूबसूरत माहौल है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, कोई है ही नहीं यहाँ पे। मतलब द बेस्ट थिंग इज अबाउट दिस प्लेस इज दैट कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, लिटरली नहीं है कोई। मस्त जा रहे हैं हम, नेचर का साउंड है पीछे से, जैसे नदी का आवाज़ आ रहा है, ऊपर से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है, सामने साफ सुथरे रास्ते हैं क्योंकि बारिश हुई है अभी। तो अभी हम यहाँ पे नानू में थे, नानू कह रहा हूँ। ये जगह कौन सा था अंकल जी, जगह कौन सा था, जगह कौन सा था? खंडारा। अभी हम लोग खंडारा में थे और मंटोली का ऊपर में, हाँ अपर मंटोली के ऊपर में पड़ता है। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ऊपर नानू की तरफ, सोच रहे हैं कि नानू अगर पहुँच जाए तो कल का जो ट्रैक होगा हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। और अभी हो रहा है करीब शाम के 6 बज रहे हैं, अभी करीब नहीं मतलब शार्प शाम के 6 ही बज रहे हैं। और कोशिश यही है कि पहुँच जाए नानू, ताकि सुबह हमारे पास सिर्फ 6 किलोमीटर ट्रैक करके हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर मधुमहेश्वर। हालांकि पहले तो कोशिश ये थी हमारी कि हम सीधा वहीं पर डायरेक्टली पहुँचें, बट देन सीम्स लाइक कि ऐसे वर्क करेगा। मैं कल रात को गुड़गांव से हरिद्वार आता हूँ बस में, वो भी लोकल ट्रांसपोर्ट नॉन एसी बस में, एक खटारा सी बस से लिटरली कह रहा हूँ। उसके बाद मैं हरिद्वार से आता हूँ रुद्रप्रयाग, वहाँ से आता हूँ गौरीकुंड, वहाँ से आता हूँ बेसिकली कुंड से आता हूँ मैं, फिर ऊखीमठ से फिर मैं आता हूँ यहाँ पर रांची विलेज आता हूँ। तो बॉडी जो है ना वो पूरी टूट चुकी थी मेरी ऑलरेडी,
उसके बाद से कम 10 किलोमीटर ट्रैक कर चुका हूँ, 10 किलोमीटर, और अब हिम्मत बची नहीं है ट्रैक करने की, तो बस स्टे लेते हैं आगे, और स्टे का बाकी स्टे लेने के बाद बताते हैं आपको कि कैसा क्या सीन रहता है, मिलते हैं आपसे। मौसम सुहाना है, मौसम बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी मौसम है आज का पानी। ये देखिए बिना ज़्यादा पानी पिए हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, इट्स अमेजिंग, इट्स फैंटास्टिक। ये देखिए रास्ते कितने खूबसूरत हैं, इतना रास्ता अच्छा है कि मन से व्यक्त नहीं कर सकता, खाली अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल और रिजर्व करके रखते हैं। ओके थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, मिलते हैं आपसे आगे। गुड मॉर्निंग, आज है 9 सितंबर और स्वागत है आपका आज के इस दिन में। अभी यहाँ से उठा हूँ, अपने होम स्टे में रुका हुआ था, पीछे हमारा होम स्टे था, ये सारे हमारे फोक्स एंड ये सामने कुछ पहाड़ी। अपार्ट फ्रॉम दैट मधमेश्वर के लिए निकल चुके, फिर दोबारा से यहाँ से करीब 5.5 किलोमीटर रह रहा है, चलते हैं आगे थोड़ा। एंड कोशिश यही है कि अब से ऊपर पहुँच के कैमरा ऑन किया जाए, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो कर चुका हूँ एंड डेस्टिनेशन पे पहुँचे बगैर, तो चलते हैं डेस्टिनेशन से, मिलते हैं आपसे आगे। हर हर महादेव। वन मोर थिंग बताना भूल गया था, अभी सुबह के करीब हो रहे हैं, साढ़े पौने पौने सात के आसपास या 7:10 के आसपास हो रहा होगा, 7 के आसपास मान लीजिए, 7 के आसपास हो रहा है। और हमने प्लान किया था रात में कि मतलब 4 बजे 3 बजे तक निकल के अपन ट्रैक करेंगे, दिल्ली से गुड़गांव से कश्मीरी के गुड़गांव से कह रहा हूँ, गुड़गांव से हरिद्वार, हरिद्वार से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से आगे कुंड, कुंड से फिर गौरी देवी क्या था वो ऊखीमठ, ऊखीमठ से फिर यहाँ रांची, रांची से फिर यहाँ, इतना सब करने में एक दिन में कुछ इस कदर थक चुका था कि मतलब बॉडी काम करना बंद कर चुकी थी। एंड फाइनली हम अभी सो के उठे हैं 7 बजे के आसपास, 6:30 बजे के आसपास इनफैक्ट, तो एक बार 5 बजे नींद खुली थी बट उधर फिर उसका चढ़ने का मन नहीं किया, तो चलते हैं अभी अपन। एंड गुड टू गो, कैसे हो? बढ़िया है, सब बढ़िया। और ये साथ में हम कोपर को यात्री सैंड, चलते हैं यार पहुँचते हैं ऊपर, ऊपर पहुँच के मिलते हैं आपसे। तो भाई अभी मुझे समझ में आया कि लोग यहाँ पर क्यों कम आते हैं, केदारनाथ वगैरह में क्यों जाते हैं लोग ज़्यादा, या फिर तुंगनाथ स्पेसिफिकली क्यों जाते हैं लोग ज़्यादा। एक्चुअली फैक्ट ये है कि इतना टफ है इसका ट्रैक कि केदारनाथ, मतलब मैं सच में कह रहा हूँ, अगर आप ये कंपेयर कर रहे हो कभी भी ये केदारनाथ से ये कम होगा वगैरह वगैरह, डिफिकल्ट। आप बताओ, अभी केदारनाथ करके आया, अभी केदारनाथ करके आया, केदारनाथ करके आया था, मैं बैग लेके गया था केदारनाथ में, मीन्स के खाना था, सब कुछ था, सब कुछ था, फिर भी जो यहाँ पे डिफिकल्ट आया मैंने आगे बैग सब उतार दिए, और अभी भी चल रहा हूँ फिर भी डिफिकल्ट आया, इतना डिफिकल्ट है मध्यम से। इसका हाल क्या है बैग का, ये कैसा है आपका? ये तो पूरा गया हुआ है भाई साहब, ये जो बैग है ना बैग भाई, वो टूट चुकी है, मतलब वो बची नहीं है जिंदा। एंड बस ये हम हैं, ये अंकल जी हैं हमारे, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा सोचो मत। पर एक बार दर्शन कर लेगा ना तो सारी थकावट, सारी थकावट, एग्जैक्टली वही होता है। वहाँ पहुँचने के बाद ना लगे कि हम तो कुछ किया ही नहीं, बस ऐसे ही पहुँच गए, ऐसे ही चलते चलते, बिल्कुल। क्योंकि मैं शुरू जब किया था तो क्या कहे थे कि मुझे मधमहेश्वर दर्शन करना है, तो मधमहेश्वर दर्शन करने के लिए हमारा जो दिमाग में जो चढ़ा हुआ है वो मधमहेश्वर, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल। जय भोले, जय भोले, जय जय भोले नहीं ठीक हूँ, जय भोले। कुछ रहा तो नहीं ना? नहीं, पानी की बोतल आपकी है, ठीक है। यार चढ़ाई यहाँ की बहुत डिफिकल्ट है, जबकि सबसे टफ कदार यह है भी नहीं, जो सबसे टफ केदारी, जो सबसे हार्ड, सबसे ज़्यादा हार्ड चढ़ना वो है रुद्रनाथ। हर हर महादेव, हर हर। तो भाई ये है कुछ एलिवेशन। लाइफ में कभी भी ट्रैकिंग करना हो यहाँ पे आ जाना। हाँ लाइफ में अगर कभी ट्रैकिंग करना हो ना, एक्सट्रीम एडवेंचर एक्सट्रीम, तो इधर को आ जाना भाई। मैं कुछ लेके ना आओ साथ में सामान, खुले हाथ ही आना ऐसा। हम लोग भी पूरा खुले देख सकते, कुछ भी नहीं हाथ में। तो भाई
हमें हो गया मधुमेश्वर महादेव के पहले प्रथम दर्शन। पीछे महादेव है, वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे शायद वो है। एंड बस पहुँच चुके हैं यार, थोड़ा सा डिस्टेंस रह रहा है, कवर करते हैं, इधर से जाना है अपने को। एंड बस पहुँच ही चुके हैं, चलते हैं नज़दीक, दिखाते हैं आपको नज़दीक से। भाइयों दिखाते हैं आपको मंदिर, बस सामने है, ये देखिए। हर हर महादेव, पहुंच गए हम मंदिर। पीछे हमारे भाई आ रहे हैं, बादल पूरा चल रहा चारों तरफ, पूरा शांत माहौल एकदम मस्त यार। यही देखने के लिए इतना मेहनत करा यार, यही देखने के लिए इतना चढ़ा है। तो बस हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, और थोड़ा नज़दीक जाते हैं, सामने रहे बाबा, और थोड़ा नज़दीक जाके आपको दिखाते हैं, कराते हैं बाबा के दर्शन, चलते हैं। तो बस पहुंच चुके हैं मर महेश्वर, एंड खोल लेंगे, कपाट बंद है, खोल लेंगे, खोल लेंगे। ये देखिए महादेव भैया, हर हर महादेव, हर हर महादेव भैया, चाचा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दिस इज समथिंग अमेजिंग यार। सबसे अच्छी बात यह सुकून है, शांति है, चिखम चिल्ली नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ ला कुछ ऐसा रहेगा, मतलब कोई शोर शराबा कुछ भी नहीं है। बस पीछे मधुमहेश्वर जी हैं, हाँ मैं कुछ श्रद्धालु हैं आसपास, बस अभी कपाट खोलने का वेट कर रहे हैं। हाँ बस कपाट खोलने का वेट कर रहे हैं, एंड कपाट खुल जाए फिर अपन चलेंगे, दर्शन करेंगे और आ जाएंगे। हमें जाना है थोड़ा जल्दी, अगर संभव हो तभी। तो बस अंकल जा रहे हैं चाबी वगैरह लाने के लिए कपाट खोलने के लिए, कपाट बंद है, दर्शन करते हैं, कुछ खाते हैं, यहाँ पे चलते हैं। यार कमर उमर कुछ काम नहीं कर रहे, और हमारे कुछ भैया लोग आए हुए शूटिंग पे वहाँ पे। एक्सपोजर थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, रुकिए। तो हो गए हमारे मंदिर में दर्शन, एंड अभी आपको थोड़ा और क्लोज से दिखाते हैं, नज़दीक से दिखाते हैं मंदिर कैंपस, चारों तरफ दिखाते हैं और तरफ का दिखाते हैं। ओ नो, ये मैंने क्या कर दिया, शिट, याद ही ना कुछ है भी यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, तो यहाँ से शुरू करता है मंदिर, ये रहे 2 घंटे। देख लिया होगा आपने मंदिर, एंड काफ़ी अद्भुत सा माहौल है, काफ़ी अद्भुत सा नज़ारा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब शांति इतना ज़्यादा है ना, एंड उधर कहीं पर ऊपर है बूढ़ा मठ महेश्वर करके जगह है, एक शायद वो पीक है या पता नहीं क्या है, नो आइडिया। बट इस पर और थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा इसके लिए, शायद यू वाला ट्रैक रहा, बट अभी जाने का कोई मूड है नहीं अपना सच, मतलब बहुत थक चुका हूँ। तो वहाँ पे वह पीक है बेसिकली, और वहाँ से ना चौखंबा पर्वत के दर्शन होते हैं, और आप देख पाएंगे मेरे पीछे मौसम कितना ख़राब हुआ पड़ा है, तो कोई चांस ही नहीं कोई पीक दिखे। तो वहाँ पे जाना काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ एफर्ट होगा फॉर मी राइट नाउ, क्योंकि व्यू तो यहाँ से भी बहुत अमेजिंग है, व्यू वहाँ से भी अमेजिंग आएगा, और वहाँ से व्यू अमेजिंग नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे मौसम ख़राब हो चुका है। बाकी यह गौरीशंकर मंदिर एंड पार्वती देवी का मंदिर ये रहा, मतलब शंकर भगवान का मंदिर इतना बड़ा, पार्वती माता का मंदिर ये नॉट जस्टिफाइड यार। एंड ये रहा वाटर सोर्स, यहाँ पे वाटर सोर्स, झरने का पानी यहाँ पे डायरेक्टली आ रहा
चलते हैं। इस वीडियो को मैं कर रहा हूँ यहीं पे ख़त्म। अब यहाँ से जाऊँगा मैं सीधा नीचा, डाउनवर्ड ट्रैक मेरा दिखाने का कोई मन नहीं है। मिलते हैं आपसे, लेते हैं हम प्रसाद यहाँ से और मिलते हैं आपसे।